ने इस बात की स्टडी की है कि एनल सेक्स का मेडिकली क्या प्रॉब्लम होती है। अब ये मर्द आपस में रिलेशन करने लगे तो फीमेल का क्या हो? दो लड़कों के आपस के रिलेशन बनाने को या दो लड़कियों के आपस के, हम उसको भी गलत समझते हैं, लेकिन वो हमारा रिलीजियस आइडियोलॉजी है। आपको लगता है समस्या हल हो जाएगी, लड़कियां कम है, लड़के आपस में शादी कर लेंगे? समस्या तो ऑलरेडी हल है, कई समाज को बर्बाद कर दिया अल्लाह ने सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग इस काम को करते थे। तो राम और सीता की बात करेंगे तो वो मैरिज के लिए तो हमारे फैमिली का आइडियल है वो, राइट। अगर दो मर्द और औरत भी आउट ऑफ वेडलॉक अगर आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो इस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। सिर्फ आप यही करना चाहते हैं ना, अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए दो बच्चे दो लड़के आपस में यूनाइट होना चाहते हैं और वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, इस वजह से यूनाइट होना चाहते हैं। मैरिज तो किया ही जाता है ताकि फैमिली हो, ताकि बच्चे पैदा हो। फैमिली में एक मर्द होता है, एक औरत होती है, इसके बगैर फैमिली नहीं बनती। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से देखते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स? जो है इस्लामिक से गलत समझते हैं। मैं तो समझता हूँ इट इज अननेचुरल, इट इज मेडिकली नॉट एडवाइजेबल, सोशली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो हम अपने बच्चों को क्यों हम ऐसा बनाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत जरूरी सुनवाई चल रही है जो कि लगातार चल रही है। मामला ये कि जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल है, मतलब मर्द और औरत के बाहर के कपल्स हैं, उनकी शादी को लेकर वहाँ पे सुनवाई चल रही है, जिसका इम्पैक्ट जो है, अगर जजमेंट नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के फेवर में आता है तो पर्सनल लॉज पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो इसकी तरफदारी कर रहे हैं, जो इसके पक्ष में है कि नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को शादी का हक मिले, उसके खिलाफ बड़े सारे जो ओपोनेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जमियत भी उनमें से एक पार्टी है जो कि सुप्रीम कोर्ट गया है और इसी पे चर्चा करने हम आए हैं उनके हेड ऑफिस, उनसे इस बारे में बात करेंगे कि आखिर उनका अपोजिशन है क्या, और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पे जो भी लोग, मतलब जो इसके अपोनेंट्स हैं, उनके किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हैं। जी, मेरा पहला सवाल ये हुआ कि इस मामले पे आप लोगों का असल विरोध है क्या? मैरिज का एक बुनियादी, एक बेसिक एक कंसेप्ट है कि जब हम मैरिज कहते हैं तो देर आर सर्टेन थिंग अंडरस्टूड। जब हमने कहा कि दो आदमी ने आपस में मैरिज कर ली तो इसका मतलब यह है कि सर्टेन थिंग्स आर अंडरस्टूड। तो वो जो बेसिक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है, मैं माफी के साथ एक चीज ये बोलूं, जब दो आदमी आप कह रहे हैं तो आप दो लोग कह रहे हैं, दो पुरुष नहीं कह रहे हैं। हम दो आदमी जब कह रहे हैं तो हम टू पर्संस कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जब हम मैरिज कहते हैं तो वो टू पर्संस ऑलरेडी डिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि मैरिज का मतलब ये होता है कि एक फैमिली, फैमिली में एक मर्द होता है, एक औरत होती है, इसके बगैर फैमिली नहीं बनती, क्योंकि फैमिली का मकसद जो है वो प्रोजनी है, आगे रिक्रिएशन। द बेसिक पर्पस ऑफ अ मैरिज इज रिक्रिएशन। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है उसमें एक मर्द है और एक औरत है, जब इसमें से मर्द गायब हो जाए तो भी मैरिज नहीं रह जाती, जब औरत गायब हो जाए तो औरत नहीं रह जाती। ये पिलर्स है मैरिज के, आपने जब उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भी मैरिज की क्या जरूरत रही? Why there should be any marriage? तो आपने ये अगर कर दिया कि मर्द और औरत दोनों को बीच में से हटा करके कहा कि दो मर्द शादी कर सकते हैं या दो औरत शादी करते हैं, तो आपने फैमिली जो है उसके कंसेप्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके हम अगेंस्ट हैं। इस पे एक सवाल जो इसके जो प्रोपोनेंट, इसके जो समर्थक हैं, उनके तरफ से उठ के आ रहा है वो ये है कि उनके शारीरिक संबंध को प्राइवेट स्पेस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर रखा है, तो अगर वो अपने आप को परिवार मान के रह रहे हो साथ में तो उसको सिर्फ लीगलाइज कर दिए जाने में क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? आप लीगलाइज की बात मत करिए, यहाँ मैरिज की बात हो रही है। अगर वो मैरिज है, हम उसके अगेंस्ट हैं, इसीलिए जब हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट था, बना है, तो वो पर्सनल लॉ से अलग है कि जो पर्सनल लॉ के अंडर कंडीशन है, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज करता है तो दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। इसी तरह हिंदू के अंदर अगर कोई करता है तो हिंदू होना जरूरी है। लेकिन अगर आप इसके अलग जाना चाहते हैं, आप पर्सनल लॉ को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको फ्रीडम है, आप छोड़ सकते हैं। उसके लिए आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जाएंगे जहाँ पे रिलीजन की कंडीशन नहीं है। तो हर चीज के लिए एक कंडीशन है। आप इसके लिए आपस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो कानून है वो एक डिफरेंट कानून है, राइट। उस कानून की बात करें आप, अभी हम उसमें उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको भी गलत समझते हैं। दो लड़कों के आपस के रिलेशन बनाने को या दो लड़कियों के आपस के
लेकिन वो हमारा रिलीजियस आइडियोलॉजी है, राइट, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में अदालत क्या कह रही है ये बिटवीन द जुडिशरी एंड बिटवीन द इंडिविजुअल है, लेकिन जब मैरिज का सवाल आता है तो उससे पूरा समाज इफेक्ट होता है। तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सोसाइटी, हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। दूसरी चीज़ यह है कि लॉ कैसा भी हो, चाहे कितनी भी फ्रीडम हो, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, है कि नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे कैसी भी वो है, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी। हमारे यहाँ के समाज के अंदर, जो हमारा इंडिया का समाज है जो कई हजार साल से है, ये बहुत सबसे दुनिया का सबसे पुराना समाज है आज की तारीख में, जो हमारी फैमिली है सबसे पुरानी फैमिली है, ये इस्लाम से बहुत पुरानी फैमिली है, इसके अंदर कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि जिसमें हमेशा से जब भी हमने मैरिज की बात कही तो राम और सीता की बात करेंगे, तो वो मैरिज के लिए तो हमारे फैमिली का आइडियल है वो, राइट, हम इंडिया के हिसाब से देखते हैं। हमें ऐसा कोई समाज नहीं मिलता कि जिसके अंदर मैरिज के अंदर ये दोनों एक सेक्स के हों, हमें ऐसा कोई, ऐसे लोग हैं, ऐसा समाज में एक ग्रुप है जो बगैर मैरिज के आपस में रिलेशनशिप रखता है, राइट, हम उससे नहीं लड़ रहे। हमारा मकसद तो ये है कि जब आप मैरिज में घुसेंगे तो आप पब्लिक मोरालिटी को इफेक्ट करेंगे, हमारे बच्चों को भी इफेक्ट करेंगे, तो इसलिए हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको अपनी जो ये फैमिली की जो ट्रेडिशन है हम इसको बाकी रखें, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें दो सवाल निकल के आएंगे। आपने एक तो बात कही कि मतलब इस्लाम के तहत अगर शादी हो तो दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है, हिंदुओं के मामले में दोनों का हिंदू होना ज़रूरी, लेकिन बाकी सारे मामलों के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये करे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन लोगों को एक होने की इजाज़त दे दे, तो आप लोग उसको सही मानेंगे? हम लोग फिर भी सही नहीं माने, मैंने बताया, क्योंकि उससे हमारी पब्लिक मोरालिटी है कि हमारे बच्चे जो हैं हम उनका बुरा नहीं चाह सकते, राइट। जैसे आपने ये जो कहा कि राम सीता के मैरिज को एक आइडियल सिचुएशन मान सकते हैं शादी की, और ऐसा मतलब उदाहरण निकल के नहीं आता, तो ये किसी भी धर्म में नहीं आता, इस्लाम में भी ऐसा कोई उदाहरण या कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपस में शादी करते थे सेम सेक्स के होके? जी, हमारे यहाँ तो कुरान है बेसिक, और उसमें इस काम को यानी दो मर्दों के आपस में रिलेशनशिप बनाने को बहुत ही बुरा बताया गया, और बहुत सारी उसमें जो कुरान के अंदर जो ट्रेडिशन है कि कई समाज को बर्बाद कर दिया अल्लाह ने सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग इस काम को करते थे, ठीक है। लेकिन मैरिज के हिसाब से हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है कि किसी भी ज़माने में कहीं पर भी, कम से कम 1400 साल की हिस्ट्री के अंदर या उससे पहले भी, हम तो समाज जिस दिन से बना है जब से, हमारे सामने कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है। एक एस्पेक्ट ये रिपोर्ट किया गया है कि शादी जो है वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का जरिया है, मतलब इसको अगर हिंदी में हल्का करें तो ऊपर वाले के पास करीब जाने का रास्ता, जो सेम सेक्स वाले हैं उनका एक आर्ग्यूमेंट हो कि हमें भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का जरिया मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो खाली इतना नहीं है, अगर दो मर्द और औरत भी आउट ऑफ वेडलॉक अगर आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। तो इस्लाम के अंदर तो बहुत ही डिफाइंड बात है कि ये जो सेक्सुअल रिलेशन है, इट कैन बी डन ओनली विद इन द बॉन्ड ऑफ फैमिली एंड विद इन द बॉन्ड ऑफ अ मैरिज। मेरा सवाल वापस से वहीं पे आ जाता है कि अगर एक तबका ऐसा एग्जिस्ट करता है जो सेम जेंडर के साथ आपस में शारीरिक रूप से फिजिकली इन्वॉल्व है, और वो भी मतलब चाहता है कि उसको शादी के जरिए मतलब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का रास्ता मिले, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, उनका सवाल है। बगैर मैरिज के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो सकता, और मैरिज के लिए मर्द और औरत होना जरूरी है। आप लोगों की पिटीशन में जो मैरिज है उसको स्टेबल इंस्टीट्यूशन कहा गया है, इसमें भी तलाक होते हैं, अलगाव होते हैं, तमाम तरीके के बिटरनेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी जिस तरीके से समाज आगे बढ़ा है उसमें ना, जैसे भारत सरकार की एक रिपोर्ट है कि फर्टिलिटी रेट नीचे चला गया 2.1 पे, है ना, तमाम समाजों में, मुसलमानों में भी फर्टिलिटी रेट नीचे चला गया है, जो नए दौर के कपल्स हैं वो बच्चा नहीं करना चाह रहे, वो बच्चे अवॉइड कर रहे हैं, अडॉप्ट भी नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी मतलब आगे बढ़ा रहे। तो आप जो कह रहे थे कि शादी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चा करना और ये एक स्टेबल इंस्टीट्यूशन है, ये स्टेटमेंट्स कहाँ तक सही रह जाते हैं करंट सिनेरियो में, वर्तमान परिस्थिति में? देखिए, स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात करते हैं तो एक्सेप्शन इज नॉट द रूल। इसी तरीके से अगर तलाक होता है तो वो एक्सेप्शन है, 100 मैरिज होती है 4 तलाक होते हैं, मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक नहीं है जो भी, लेकिन कोई भी ले आएंगे
तो कभी इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी। तो अगर वो तलाक हो रहे हैं तो होने दें, उसकी वजह से जो लॉ है वो नहीं बदल जाएगा, राइट। एक तो पहली चीज ये समझ के बाद आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे पैदा करने की बात, भारत सरकार का आंकड़ा है कि रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया, 2.1 से नीचे मुसलमानों में भी। मैं ठीक है आपकी बात यह है, लेकिन जिन समाजों में, मैं आप कह रहे जापान की मिसाल ले लीजिए, सबसे ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम है ना, फ्रांस की प्रॉब्लम ले लीजिए, वहां पर भी क्या मैरिज का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया क्या? सिर्फ आप यही करना चाहते ना, अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसलिए दो बच्चे, दो लड़के आपस में यूनाइट होना चाहते हैं और वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, इस वजह से यूनाइट होना चाहते हैं, तो फिर मैरिज क्यों कर रहे हैं? मैरिज तो किया ही जाता है ताकि फैमिली हो, ताकि बच्चे पैदा हो, ठीक है। अब मत मैरिज के लिए किसने मना किया आपको? लेकिन बड़े सारे बच्चे जैसे ऐसे भी जो अनाथ हो जाते हैं, अडॉप्शन का सिस्टम है कंट्री में, जो मैरिड कपल हैं, ऐसी लड़कियां जिनको, या ऐसे कपल्स जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता, वो बच्चों को अडॉप्ट करते, तो ये अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डिवोर्स सिस्टम नहीं पैदा हुआ है जिसमें मर्द औरत को रिप्लेस कर सकता है या औरत मर्द को रिप्लेस कर सकती है। दोनों के अलग अलग फंक्शन है बायोलॉजिकली, दोनों के अलग अलग फंक्शन है साइकोलॉजिकली। किसी काम के लिए औरत ज्यादा वर्थ है, किसी के लिए काम के लिए मर्द ज्यादा वर्थ है। इन दोनों के कम्बिनेशन से एक कंप्लीट यूनिट बनता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम किसी बच्चे को माँ नहीं देते हैं तो हम उसको उसके राइट से, मदरहुड के राइट से उसको महरूम कर रहे हैं। किसी बच्चे को फादर नहीं देते हैं तो उसको मदर के राइट, फादर के राइट से महरूम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात होगी कि हम किसी बच्चे को फॉर एवर उसको माँ से महरूम कर दें। लेकिन फिर ये जो लेस्बियन कपल्स हैं उनका एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि जब दो महिलाएं रहेंगी और अडॉप्ट करेंगी किसी बच्चे को, तो हो सकता है कि उसको माँ का दुगना प्रेम मिले। यार ये नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो देखने की बात है कि ये जो नेचर ने एक चीज पैदा की है मर्द और औरत, तो क्या आप नेचर रूप को समझते हैं? देख दो, यही नहीं है कि इंसानों के अंदर है बल्कि हर चीज के अंदर, पेड़ तक के अंदर जहाँ बैठे हुए हैं, इसमें भी अल्लाह ने मदर और फादर पैदा किए। जो एक मदर है और एक फादर है, दो खजूर के दरख्त हैं, उसमें एक फीमेल है एक मेल है, इसके बगैर खजूर नहीं बनती है। इसी तरीके से किसी जानवर के अंदर ले लें, एक मेल है फीमेल है। अब आप बताइए कि नेचर के मुताबिक रहना चाहिए या बिल्कुल नेचर के अपोजिट जाना चाहिए? तो आप, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट के बावजूद आप अभी भी उनके इस तरीके के रिश्तों को अननेचुरल मानते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी नजीर नहीं है कि जिसमें मैरिज में मर्द और इस तरीके के रिश्तों को, जो सेम सेक्स रिश्ते हैं उसको, आप रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं। इस्लाम में अगर कोई समझना चाहे कि एक शादीशुदा रिश्ते में मर्द के रोल्स को और औरतों के रोल को किस तरीके से डिफाइन किया गया, तो आप बताने की स्थिति में है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ मर्द और राइट्स के मिसाल के तौर पर कि उसकी जितनी भी फैमिली को फाइनेंशियल उसकी ज़रूरत है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फादर की होती है, ये इस्लाम के अंदर है। इसी तरीके से माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि बच्चा छोटा है, बच्चा है तो उसे दूध पिलाए, तो दूध पिलाने की जिम्मेदारी जो है माँ की होती है। बच्चे की तरबियत करना, छोटा बच्चा है तो ये जो इस तरीके से रोल आपस में बांटे गए, बच्चे की तरबियत करना, उसको पालना पोसना, ये सब औरतों की जिम्मेदारी है। नहीं नहीं बिल्कुल माने, अभी मतलब जो नए दौर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बदली है, फॉर एग्जांपल लड़कियां वर्किंग हो गई हैं, कई घरों में जो मर्द हैं वो बच्चे संभाल रहे हैं, तो ये विघटन है, मतलब डिटीरियोरेशन है या बिटरमेंट है सोसाइटी का? नहीं है, जरूरत पड़ सकती है। किसी के फादर की डेथ हो गई तो क्या करेगा? माँ जो है दोनों काम करती है ना, तो मैंने कहा एक्सेप्शन जो होता है वो ऑलवेज देयर। समाज में शादी कितनी जरूरी है, क्योंकि एक नया कल्चर है लिव इन रिलेशंस का, जिसमें जो एक जोड़ा है वो आगे साथ रहने, जो बैठे हुए हैं वो शादी के नतीजे में बैठे हुए हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप देखेंगे, तो अभी भी मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, लेकिन 99% से ज्यादा लोग जो है वो शादी के नतीजे में बैठे हुए हैं, राइट। तो फिर ये सवाल कहाँ बनता है कि कितना जरूरी है? तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से देखते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स? जो है इस्लामिक टेक्नोलॉजी से गलत समझते हैं। मैंने बताया इस्लाम के अंदर तो ये वेल डिफाइंड है, लेकिन ये समाज जो है जिसमें हम रहते हैं वो खाली इस्लामिक समाज नहीं है। इस्लाम मुसलमानों पे लगता है, हिंदुओं पे नहीं लगता है, या ईसाइयों पे नहीं लगता है। ईसाइयों का अपना धर्म है, हिंदुओं का अपना धर्म है, तो इसलिए मैं सबके भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जैसे सेक्युलर, आपके दौर में तो सेक्युलर कपल्स भी ऐसे हैं ना, कि मतलब लड़का हिंदू और लड़की मुसलमान, या अदर वे राउंड, लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान, और वो लिविंग्स में रह रहे हैं। तो ऐसा है कि जो सेक्युलर सोसाइटी थी, खासतौर से कम्युनिस्ट समाज जो था, जो खत्म हो गया, चाइना की एग्जाम्पल है, तो वहाँ क्या दोनों की मैरिज अलाउ है क्या?
तो दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें वो एक्सेप्शन जरूर है कि कहीं पे इसको अलाउ कर दिया गया, लेकिन वो हमारे समाज से उसकी जो वैल्यूज है वो मेल नहीं खाती है। तो हर समाज की अपनी अपनी वैल्यू सिस्टम है। हमारा इंडिया कोई बहुत छोटा मोटा मुल्क नहीं है, इट इज टोटल सब कॉन्टिनेंट, आधा दुनिया हम है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड वी आर इंडियंस, हम है। तो इसलिए जो है हमारे ऊपर किसी और का नहीं लागू हो सकता, हमारी वैल्यूज दूसरों के ऊपर लागू हो सकती हैं। हमारी बहुत बड़ी तादाद है, और बहुत बड़ी जब मैं कहता हूँ तो खाली इंडिया नहीं है, इंडिया के साथ बांग्लादेश भी है, इंडिया के साथ जो है ये आपका पाकिस्तान भी है, इंडिया के साथ। तो देख अगर ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आधी दुनिया एक तरफ कर दीजिए, आधा इंडिया कर दीजिए, तो इस दुनिया में को पॉपुलेट। ये तो आरएसएस के अखंड भारत वाले कॉन्सेप्ट टाइप साउंड कर रही है आपकी बात। इस बात पर नहीं है कि हमारे आरएसएस से अगर हम खिलाफ हैं तो हमारे मामले में हमारी उनकी दुश्मनी है, लेकिन अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आप लोग भी बिलीव करते हैं। करते हैं, क्यों नहीं करते हैं भाई, हम तो अखंड है ही हैं। क्या अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रहता है तो वो क्या इंडियन ओरिजिन का नहीं है, है ना? तो इसलिए उस चीज को जो नेचुरल है उसे तो खत्म नहीं किया जा सकता। ये डिविजन थोड़ा आर्टिफिशियल है जिसे आप कहते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहेगा। इसमें बाउंड्रीज खड़ी कर दी गई हैं और ये बाउंड्रीज बदलती रहती हैं। कल को बांग्लादेश पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश बांग्लादेश है, कल कुछ और हो जाएगा। तो इस बाउंड्रीज जो है ये सिर्फ आर्टिफिशियल है। अभी रिसेंटली आपने मार्कंडे काटजू के जो पिताजी हैं काटजू सीनियर काटजू साहब, उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में राइटअप लिखा था कि उनके परिवार में जब पता चला कि उनकी बेटी लेस्बियन है तो इवेंचुअली शुरू में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन 10 साल 20 साल बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये नेचुरल है, नॉर्मल है, और फिर इवेंचुअली एज ए फैमिली उनको रियलाइजेशन हुआ कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में वैसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जैसा मतलब शुरू में उनको आ रही थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मतलब जब उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ही बिकेम अ बेटर हिंदू। आप लोग जैसे आपके पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटजू जी जो है लेस्बियनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको करना चाहिए, जो उनका धर्म कहता होगा वो कुछ जानते हैं, हमारे धर्म में ये अलाउ नहीं है। तो हर एक समाज के अपने अपने वैल्यू सिस्टम, तो उस वैल्यू सिस्टम के अंदर समाज को फॉलो करना पड़ता है, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन ये वाली जो बात थी इत्तेफाक से जो हस्बैंड एंड वाइफ वाला मामला है, ये दुनिया के किसी समाज में नहीं है। नहीं, कई सारी कंट्रीज में अब धीरे धीरे इवेंचुअली जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इसको लीगल कर दिया है, कुछ किया जा रहा है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बातों को अपनाइए, बाद में इस बात की बात करिएगा। सब ये क्या जरूरी है कि सबसे पहले हम खराब चीजें को अपना लें। तो इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि ऑलरेडी जो हरियाणा है वहाँ पे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है नंबर ऑफ गर्ल्स की, मेल फीमेल रेशियो। अब ये मर्द आके आपस में रिलेशन करने लगे तो फीमेल का क्या होगा? आपको लगता है समस्या हल हो जाएगी, लड़कियां कम है, लड़के आपस में शादी कर लेंगे? समस्या तो ऑलरेडी हल है समाज में, जो इक्वल जो अभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है, एक बैलेंस है जिसे नेचर ने कर रखा है ना, क्यों कर रखा है आई डोंट नो। तो उस बैलेंस को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी स्टडी। अभी इसकी स्टडी आपने की नहीं है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे, सोशली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, एजुकेशन, कुछ भी कर लें, इसके क्या नतीजे निकलेगा, आपके पास कोई स्टडी है क्या? तो फिर आप उसको पूरे समाज पर क्यों लागू कर रहे हैं? एक चीज़ को अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदलने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए क्या आपने की है वो? अभी आप ये बताइए कि आपने इस बात की स्टडी की है कि एनल सेक्स का मेडिकली क्या प्रॉब्लम होती है ना? अभी हम तो ये हमको यही मालूम था, अभी तक साइंस में यही आता था कि ये जो आपकी हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो एनल सेक्स की वजह से थी, है? उसको कैसे आपने सोल्व कर लिया क्या? या आपने उस पर कोई स्टडी की है? पहले सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात आएगी, है ना, कि इसको मेडिकली कितने डॉक्टर से आपने स्टडी किया, कहाँ कंसल्ट किया, क्या इसकी स्टडी आई है, क्या इसकी रिपोर्ट है, साइंटिफिक है कि नहीं है। इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसको परमिशन देता है सेम सेक्स मैरिजेस को, तो इसको दखल माना जाएगा पर्सनल लॉ में आप लोगों के हिसाब से? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है, वो स्पेशल है। तो पहले तो यही हुआ था जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि हमने ये कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि हम पर्सनल लॉ को टच नहीं करेंगे। हमने ठीक है, फिर आप अपना करिए जो करना है, हम तो पार्टी नहीं है फिर तो। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, पर्सनल लॉ को टच किए बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कह रही है, क्योंकि जितने लोग हैं इस मुल्क के अंदर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कितने लोग मैरिज करते हैं? ज़्यादातर मैरिज जो हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ या क्रिश्चियन लॉ के अंडर में होती है। तो फिर 1-2% के अंदर आप कैसे पूरे मुल्क मसले को हल कर देंगे ना? फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि
एक सोसाइटी के अंदर आप एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं इस उसके ऊपर कि अगर मुस्लिम सोसाइटी विद इन द मुस्लिम सोसाइटी अगर आपने ये कर दिया कि इसको अलाउ कर दिया तो वो तो फैमिली जो है टैबू हो जाएगी, है ना, सारे फैमिली रिलेशनशिप बदल जाएंगे। तो इसलिए जो है ये इतना करना आसान नहीं है, और आसान और उसकी बात नहीं है, मैं तो समझता हूँ इट इज़ अननेचुरल, इट इज़ मेडिकली नॉट एडवाइजेबल, सोशली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो हम अपने बच्चों को क्यों हम ऐसा बनाने की कोशिश करें। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर इसके पक्ष में फैसला दे दे तो, या जो ट्रिपल तलाक वाला मामला जिसके सरकार ने जिस पर कानून बनाए क्रिमिनलाइज कर दिया उसको, नाना करते जो पर्सनल लॉज हैं उनमें चेंजेस हो रहे हैं जिसको इस तरीके से देखा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये जो उसके लीडरशिप है उसके लिए एक चैलेंज हो सकता है, इसको आप चैलेंज के तौर पर देखते हैं? पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये मुस्लिम हर काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट के भी सर्टेन एरियाज है, इसके बारे में सोसाइटी के बारे में लॉज बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का है, तो ये मैटर पार्लियामेंट में जाना चाहिए ना, वहाँ पे इंडिया की मेजोरिटी है वो फैसला करेगी कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेटर है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, पहला काम तो यही गलत है, है ना। अब अगर इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर भी देती है पार्लियामेंट थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो इस मुल्क के अंदर फैसले जो हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट से होंगे इसको मैं नहीं मानता, पार्लियामेंट की एक वो है, इसके बारे में अगर कानून बनना है तो पार्लियामेंट कानून बनाए ना, स्पेशल मैरिज एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, दे कैन ओनली इंटरप्रिटेट इशू सर्टेन गाइडलाइंस, इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, दे कैन ओनली इशू गाइडलाइंस और दे कैन इंटरप्रिटेट, दैट्स ऑल, लॉ तो पार्लियामेंट में बनेगा, इसलिए हमें इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैटर तो पार्लियामेंट में जाना है। अब पार्लियामेंट अगर फैसला करती है, अगर इंडिया की मेजोरिटी ये फैसला कर देती है ये हमारे लिए बेटर है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, तो आप संसद पे ये चीज छोड़ना चाहते हैं, संसद पे जाएगी ये चीज़, शादी से जुड़ी या मतलब बाकी चीज मसला है जो कानून से मुतालिक है, अल्टीमेटली तो कानून तो संसद में ही बनेगा। ठीक, तो ये वन ऑफ द पार्टीज हैं जो सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट में अपोज कर रहे हैं, प्रॉब्ली जितने क्वेश्चन हो सकते थे इनके इन एंड अराउंड वो तमाम क्वेश्चन हमने इनसे पूछने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको एक इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन के थ्रू उनके आंसर्स मिले होंगे। फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि फॉलो अप में जब हम इससे रिलेटेड कोई स्टोरी करें तो फिर हम वो सवाल पूछ पाएँ, अनकट का पूरा जो गोल है अटेम्प्ट है वो आप तक ऐसे इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस को लाना है अक्रॉस द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज के लिए आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।